फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपका जो नेटवर्क एडेप्टर है वो मिसिंग है विंडोज 7 में, तो कैसे आप इस प्रॉब्लम को रिजोल्व कर सकते हो। यहाँ पर गाइज, अगर हम जाते हैं मैनेज पर एंड यहाँ पर हम डिवाइस मैनेजर ओपन करते हैं, तो यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा नेटवर्क एडेप्टर का। तो आप नेटवर्क एडेप्टर जब तक नहीं होगा तो आप इंटरनेट से कनेक्ट नहीं कर सकते वहाँ पर, ठीक है। तो वहाँ पर नेटवर्क एडेप्टर आपका मिसिंग है विंडोज 7 में, तो यहाँ पर कुछ मेथड बताने वाला हूँ जिससे आप इस प्रॉब्लम को रिजोल्व कर सकते हो। आपका जो नेटवर्क एडेप्टर है वो शो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसको कैसे आपको सोल्व करना होगा, यहाँ पर आपने जो मेथड 1 है, किसी पे भी आपने एक एडेप्टर पर क्लिक करना है, यहाँ पर जिसे डिस्प्ले एडेप्टर है, और यहाँ पर एक्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर स्कैन फॉर हार्डवेयर चेंजेस पर क्लिक करेंगे, इंस्टॉलिंग डिवाइस। तो यहाँ पर देखेंगे आपका जो नेटवर्क एडेप्टर है वो इंस्टॉल होता है या नहीं। अगर नहीं होता तो फिर गाइज आप किसी भी एक एडेप्टर को, यहाँ पर जैसे डिस्प्ले एडेप्टर है इसको ले लेते हैं और एक्शन पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पर करेंगे हम एड लीगेसी हार्डवेयर, इस पर क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर सेकेंड वाला इंस्टॉल द हार्डवेयर डेट मैनुअली सिलेक्शंस अ लिस्ट, इस पर क्लिक करेंगे, देन क्लिक ऑन द नेक्स्ट। देख सकते हो यहाँ पर नेटवर्क एडेप्टर हमारा शो हो रहा है, तो इसको क्लिक करेंगे। अगर नहीं होता तो आप यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर मॉडम्स का ऑप्शन मिलेगा, तो आप इस अगर आपका नेटवर्क एडेप्टर यहाँ शो नहीं होता तो मॉडम्स को सेलेक्ट करेंगे, देन क्लिक ऑन द नेक्स्ट, यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, टू स्टार्ट इंस्टॉलिंग योर न्यू हार्डवेयर क्लिक नेक्स्ट फिनिश। सो यहाँ देख सकते हो जो नेटवर्क एडेप्टर है वो हमारा शो होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर नेटवर्क एडेप्टर हमारा आ चुका है, इससे हमारी प्रॉब्लम रिजोल्व हो गई। फ्रेंड्स, अगर आपको इस तरीके से भी आपकी जो नेटवर्क प्रॉब्लम है वो सॉल्व नहीं होती, नेटवर्क एडेप्टर नहीं आता, तो आपने जो आपकी नेटवर्क्स है उसको रिसेट करना होगा। तो यहाँ पर सबसे यहाँ पर गाइस आपने नेटवर्क को रिसेट करना होगा, उसके लिए रन कमांड को ओपन करना होगा। सिंपली यहाँ पर आपने cmd टाइप करना है रन बॉक्स में, cmd एंड यहाँ पर cmd पर राइट क्लिक करेंगे, देन क्लिक ऑन रन एडमिनिस्ट्रेटर, यस, और यहाँ पर रन कमांड ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आपने टाइप करना है नेट netsh int ip रीसेट, तो ये ip को रीसेट करेगा हमारे, रीसेटिंग द ग्लोबल। एंड उसके बाद आपने टाइप करना है netsh winsock 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 reset, एंटर प्रेस करेंगे, तो ये भी हमारी कमांड रन हो चुकी है। उसके बाद गाइस आपने एग्जिट करना है, चेक करेंगे आपका जो नेटवर्क एडेप्टर है वो आता है नहीं, ठीक है। मैनेज पे जाएगा एंड यहाँ पर डिवाइस मैनेजर पे जाएगा, ठीक है, नेटवर्क एडेप्टर चेक करेंगे कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो रिजोल्व हुई है या नहीं। अगर इसके बाद भी नहीं होती तो गाइज आपने एक सेटिंग और करनी है, सिंपली यहाँ पर सर्च बॉक्स में टाइप करना है सर्विसेज, सर्विसेज को ओपन करेंगे एंड यहाँ पर आपको जाना है W वाली सीरीज में, वैन ऑटो कन्फिग में किसी एक को सेलेक्ट करके और W प्रेस करके तो आप W वाले सीरीज में आ जाएगा। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा एक, ठीक है, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा वैन ऑटो कन्फिग का, तो सिंपली आपने इस पर जाना है, इसको यहाँ पर आपका अगर ये स्टॉप शो करता है या डिजेबल शो करता है तो सिंपली ऑटोमेटिक पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर स्टार्ट पे क्लिक करके आपको जो सर्विस है स्टार्ट होनी चाहिए, ठीक है, अप्लाई पे क्लिक करेंगे, ओके। अगर आपका फिर भी नहीं होता तो लास्ट मेथड गाइस आपने अपना जो मैन्युफैक्चर वेबसाइट है जैसे कि डेल है तो उसकी वेबसाइट पर जाना होगा, और जो भी विंडोज़ है आपका वर्जन है विंडोज 7 का तो उसको टाइप करेंगे वहाँ पर, तो वहाँ से आप डाउनलोड करके मैन्युअली इंस्टॉल कर सकते हैं इसके ड्राइवर को नेटवर्क एडेप्टर के, राइट। सो ये सेटिंग्स होती है गाइस, जो पॉसिबल सेटिंग्स होती है वो मैंने आपको बता दी है मैक्सिमम। तो इसी तरीके से आप अपना जो नेटवर्क एडेप्टर है वो मिसिंग होता तो आप उसको इस तरीके से रिजोल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। अगर आपके मन में कोई डाउट है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। इसी के साथ आपको मिलता हूँ एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।